आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। शिव पुराण है मुक्ति का धाम। जय हो पार्वती शिव भगवान। तो आइए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं शिव पुराण का। आज हम आपको बताने वाले हैं कि शिवलिंग की स्थापना आप कैसे करें, उसके पीछे का क्या महत्व है और कैसे हमको ये करना चाहिए। सथावर जंगम सभी जीवों को यतन पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रतन भरकर यथो जातिक वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओमकार का उच्चारण करके गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करके उस नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। आपको ऐसा शिवलिंग की स्थापना करनी है जो कि लंबे समय तक टिका रहे, जो कि टूटे ना, ऐसा शिवलिंग आपको बनवाना है। ऐसे ही शिवलिंग की आपको स्थापना करनी है। इसी प्रकार वहां पर परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग के साथ साथ आप मूर्ति की भी स्थापना करें। सारांश यह है, भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठान के लिए कही गई, वैसी ही मूर्ति प्रतिष्ठान के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु मूर्ति की प्रतिपंक्ष अक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहां लिंग की प्रतिष्ठा हो वहां भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के नियमित मूर्ति को रखना आवश्यक है। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से भी ग्रहण करें। ब्राह्मण मूर्ति वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो, जिसको साधुओं ने पूजा हो। इस प्रकार लिंग में और मूर्ति में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली है। कितनी उत्तम बात बता रहे हैं शिव पुराण में। शिवलिंग में और मूर्ति में भी की हुई पूजा महादेव की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली है। शिवलिंग और मूर्ति पूजन शिवपद को प्रदान करने वाला है, शिवलोक को जाने वाला है। सथावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। वृक्ष लता आदि को सथावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। सतावर लिंग की सींचने से आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तर्पण करना उचित है। उन सथावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसे विद्वान पुरुष मानते हैं। यो चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रति मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विधि उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजन पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजरोपण आदि करना चाहिए। जो हमारा शिव मंदिर है उसके मुख्य शिखर पर आप ध्वज लहराएं, उसके आसपास सब ध्वज लहराएं और हर हर महादेव का गान करें, शिव पुराण का कथन और वाचन करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान कराने वाला है। शिवलिंग साक्षात शिव पद का प्रदान कराने वाला है। जो शिवलिंग की पूजा करता है वो शिव लोक को जाएगा, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। अथवा चर लिंगों में यथोचित रीति से क्रमश पूजा करें।
यह पूजन भी शिवपद प्रदान कराने वाला है। आवाहन, आसन, आचमन, आराधना, भक्ति भावना, स्नान, वस्त्र एवं जो पवित्र गंध पुष्प, धूप दीप, नवेद्य, तांबूल, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार हैं अथवा अध्य से लेकर नवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंगों में अपना अपना प्रकट हुआ शंभु लिंगों में तथा अपने द्वारा न्यूतन स्थापन हुए शिवलिंगों में भी उपचार संपन्न पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजा की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याण प्रदान कराने वाला है। मिट्टी, आटा, गाय की गोबर, फूल, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्य से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर पद अनुसार उसका पूजन करें। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव जप का उद्दान करें। यह कर्म भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। जब काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि कराने वाला होता है, समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओमकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष सम्मान प्रण कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक शास्त्र का ही जप किया जाए तो उससे शिव पद की प्राप्ति होती है, यह समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से युक्त हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मंत्र आओ का स्नान, सत्य से पवित्र अनंत करण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना गया है। दिवजों के लिए ओम नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। दिव्य तरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है अथवा वह शिव शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। शिवाय नमः इस स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो उच्चारण का ही विधान है अथवा वह भी शिवाय नमः का ही जाप करें। स्त्रियां शिवाय नमः का ही जाप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देता है अथवा वह नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त हो सकता है अथवा मंत्र में जितना अक्षर है उनका प्रथ 1,00,000 जप कर अथवा समक्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। यदि 1,000 दिन में प्रतिदिन 1,000 जप के क्रम से
पंचाक्षर मंत्र का 10,00,000 जप पूरा कर लिया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोज कराए जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मणों को चाहिए वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा होने पर गायत्री कर्म शिव का पद प्रदान कराने वाली होती है। वेद मंत्रों और वेद की ऋचाओं से भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का परायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्याय जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह शिवभक्त मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कितनी उत्तम बात बता रहे हैं। आप सभी ध्यान देकर सुने, अपने आप को मोक्ष प्राप्त कराना है तो आपको, और हमारा मनुष्य जन्म इसलिए ही हुआ है इस पृथ्वी पर कि मोक्ष को प्राप्त कर सके। आपसे निवेदन करता हूं मैं बार बार यही, अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए। अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन एक बार सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आप लोगों को मैं कितने ज्ञान की बात बताता हूँ, पर आप लोग हमारा सम्मान नहीं करते हैं ऐसे लोगों का जो आपको ज्ञान की बात बताते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि हमारा मनुष्य तन, हमारा मनुष्य जीवन किस लिए इस पृथ्वी पर हुआ है, हमको क्या करने के लिए इस पृथ्वी पर इस भगवान इस परमेश्वर ने भेजा है। बस हमको एक बात तो आती है कि हाँ, यदि मैं यही चीजें मैं कुछ और वीडियोस बनाता कॉमेडी वाली तो आप लोग बहुत लाइक करते, पर हमारा इंटरेस्ट तो उन चीजों में है ही नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ जितना भी मनुष्य जाति है इस पृथ्वी पर, इस भारत पे नहीं पूरी पृथ्वी पर, मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग ओम का ही जप कर लेना, इतना ही काफी है। शिव पुराण में भगवान शिव क्या क्या बता रहे हैं हमारे मनुष्य जाति को उद्धार करने के लिए, पर हम सत्य कर्मों में हमारा मन ही नहीं लगता, हमको तो दुष्ट कर्म ही करने हैं। क्यों? अपने आप को उन्नत करो। मैं मानता हूं कुछ चीजें हमारे जीवन में हमारे पिछले जन्म के अनुसार भी होती हैं, आप लोग माने या ना माने। मान लो कोई पिछले जन्म में उसको कुत्ते का जन्म मिला हुआ था, मान लेते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप मेरी बातों को किसी दूसरे वे में ना लेके जाएं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। मान लो मुझे ही, मैं किसी और के नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मुझे पिछले जन्म में कुत्ते का जन्म मिला हुआ था, ठीक है, पर मैंने उस जन्म में भी कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए और उससे पिछले जन्म में भी ऐसे कुछ कर्म किए कि मुझे इस जन्म में ये मनुष्य पद की प्राप्ति हुई, मनुष्य जन्म मिला, और उसके भी ऊपर मैं ऐसी चीजों का अध्ययन कर रहा हूं कि मेरा अगला जन्म और अच्छा हो, मैं भगवान की प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण कर रहा हूं, और उसके चलते चलते मैं आप लोगों को ही बता रहा हूं कि शिव पुराण में क्या लिखा है, ठीक है। अब मेरे कुत्ते के हिसाब से जो इस जन्म में रीति होगी वो मांस भक्षण करने वाली होगी, क्योंकि कुत्ते को वो खाते खाते एक आदत और हैबिट बन चुकी है, वो एक जन्म में छूटती नहीं है। तो इसी प्रकार से हमको पिछले जन्म का पुण्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। एक उदाहरण के लिए आपको बताया, आप ये नहीं सोच लेना कि मैं भी मांस खाता हूँ, मांस भक्षण दुष्टों का राक्षसों का खाना है, इस मनुष्य जातियों का नहीं। और सदा जीवन में आपको निरोग रहना है तो इसको छोड़ दो, सात्विक खाने पर आ जाओ। अपने जीवन को यदि उन्नत करना है, अपने जीवन को महान बनाना है, अपने बच्चों को महान बनाना है, आप एक बात सोचो कि मेरे दो बच्चे हैं, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोलूंगा, मैं यदि आप लोगों के लिए बोलूंगा तो आप मेरे ऊपर कुछ विद्रोह कर सकते हैं। चलो मैं अपने लिए ही बोल लेता हूं कि मैं एक परमात्मा हूं, मैं एक भगवान हूं, ठीक है, और मेरे इस संसार में बहुत सारे बच्चे हैं, और
मैं एक बच्चे को तो अपने लिए इतना प्यार करूं, मैं उससे हद से ज्यादा प्यार करता हूं, और दूसरे बच्चे को मैं कटवा कर अपने बच्चों से ही खिलवाऊं, तो ये क्या न्याय पूर्वक है? ये कोई ज्ञान है? ये उन बच्चों की अज्ञानता है। तो ऐसे ही ये हमारी भी अज्ञानता है। उस प्रभु ने जितने भी जीव इस पृथ्वी पर उत्पन्न किए हैं उनका संरक्षण वो करता है, और वो जीव जब मरता है तो वो अपने प्राणों को आहा देता है। एक चींटी को आपने देखा कभी जो हमारे पैर के नीचे को मर जाती है? वो भी बचना चाहती है कि मैं इसके पैर के नीचे ना आऊं। सब जीव के अंदर एक अपनी कॉमन सेंस है, वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो हमको भी ऐसे ही करके अपने आप को उन्नत करना है, हमको ऐसी चीजें नहीं करनी अपने जीवन में। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि इस भगवान की परंपरा को माने, उसके उद्देश्यों को समझें। वो भगवान हमसे ये नहीं कहता कि आप जीवों को मार कर खाएं, सात्विक खाने पर आ जाएं आप। तो ये एक सिद्धांत जो आपको दिया सिर्फ समझाने के लिए था। हो सकता है किसी के अंदर इस पृथ्वी पर महान से महान लोग हैं, हम तो शिव पुराण पढ़ के आपको ज्ञान दे रहे हैं, हम मूर्ख इंसान है ये मानते हैं, पर आपको बस बता रहे हैं कि इस राह पर चलना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए। आप सभी को कोटि कोटि वंदन, हर हर महादेव। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी ये चैनल अच्छा लगता है, हमारी बात अच्छी लगती है, तो हमको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि हमारा मनोत्साह बढ़ता रहे, हम आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाते रहें, ताकि आप भी उसको शेयर करके किसी और को बताएं। और उद्देश्य तो क्या है मैं आपको बता दूं, मेरा उद्देश्य ये है कि पहले तो लोग हमारे जो भारतवासी हैं वो 18 जो हमारे पुराण हैं वो पढ़ें। अब आपको यह नहीं पता कि हमारे भारत में 18 पुराण हैं, हमारे भारत में 18 पुराण हैं जिसकी रचना महाभारत के बाद बताते हैं, ठीक है? महाभारत काल के बाद पुराणों की रचना हुई है। पहले तो आप वो पढ़ें जितने भी 18 पुराण हैं। टाइम किसी के पास है नहीं तो इसी वजह से हम आपको बता रहे हैं, सुन तो सकते हैं ना आप लोग, कहीं भी आप जा रहे तो सुन लीजिए। और उसके बाद आप वेद पढ़ें, 4 वेद हैं हमारे, तो सबसे बड़ा वेद हमारा ऋग्वेद है। हम उस पर भी आने वाले समय में वीडियोज लाएंगे यदि आप प्यार दोगे तो। मैं अपने चैनल पे संपूर्ण ज्ञान लेके आऊंगा, 18 पुराण, 4 वेद, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद सब, पर आप लोगों का प्यार चाहिए। हाँ, मैं चाहता हूँ शहीदे अपने दिल से कि आप लोग यही पढ़ सके उन चीजों को, तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी जब पढ़ता हूँ तो उसके नोट्स अलग से बनाता हूँ, यदि आप चाहोगे तो मैं उसकी भी एक समरी अलग से आपको बता दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताऊँ। अभी हम जो शिव पुराण बनाते हैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के बताते हैं। तो परमात्मा भगवान नहीं चाहता कि मैं अपने पुत्रों को मारूं, तो हम भी नहीं चाहते कि हमारे जो पुत्र बेटी बेटियां हैं हम उनको मार के खाएं। ऐसा सोचेगा वो परमात्मन, ऐसा हम सोचते हैं। तो किसी भी जीव की हत्या ना करें आप लोग, ये निवेदन है, नहीं तो उसके पूर्व जन्म में हमको कर्मों का फल मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, और हम मोक्ष के भागी कभी भी जीवन में नहीं हो पाएंगे। ये आप लिख के रख लो, सात्विक भोजन पे आओ, अपने विचारों को अच्छा करो, आपके विचार अच्छे होंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। हमारे विचार भी हमारा खाना है, इट्स अ फीडिंग। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।